बिस्मिल्लाह रहमान रहीम सातकैन एजुकेशन सर्विसेज। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट ऑफ क्लास 3, हाउ आर यू ऑल? होप यू आर ऑल फाइन बाय द ग्रेस ऑफ ऑल माइटी अल्लाह। दिस इज योर असिस्टेंट टीचर मिस अना। नाउ वी आर स्टार्टिंग रिवीजन ऑफ चैप्टर 13 अर्ली पीपल। लेट्स वी स्टार्ट। सो स्टूडेंट्स, इन दिस चैप्टर आर की लर्निंग पॉइंट्स इज what are archaeologists and what are anthropology. Number 3, life of early humans, their art and inventions. Number 4, comparing early humans with humans today. Archaeologist is a scientist who study about the human history, and archaeology is the study of history and prehistory. किसी भी अर्ली पीपल की हिस्ट्री मालूम करना कि वो किस तरह के थे, उनकी हाइट कैसी होती थी और उनमें क्या फीचर्स होते थे, वो जानना, उसकी स्टडी करना, इसको हम कहते हैं आर्कियोलॉजिस्ट। और इनको जो लोग पढ़ते हैं, जो इनके ऊपर स्टडी कर रहे होते हैं, इनको जान रहे होते हैं, उन लोगों को हम कहते हैं आर्कियोलॉजिस्ट। व्हाट इज एंथ्रोपोलॉजिस्ट? एंथ्रोपोलॉजिस्ट इज द स्टडी ऑफ ह्यूमन इन पास्ट एंड प्रेजेंट। इसमें हम पढ़ते हैं ह्यूमन की, ह्यूमन जो थे वो जो उनका कल्चर था, किस तरह की उनका कल्चर था और वो किस तरह का लाइफ स्टाइल वो में रहते थे। इट एग्जामिन द कल्चर ऑफ मैनकाइंड एंड हाउ वी ऑल कम टू बी देयर वी आर। एंथ्रोपोलॉजी इज द साइंस ऑफ मैनकाइंड। इट स्टडी ऑल फैक्ट सोसाइटी एंड कल्चर। इट स्टडीज टूल्स, टेक्निक्स, ट्रेडिशंस, लैंग्वेज, बिलीव्स, वैल्यूज, सोशल इंस्टीट्यूशंस, इकोनॉमिक मैकेनिज्म, ब्यूटी, आर्ट, प्रेस्टिज, स्ट्रगल, इन सब चीजों के बारे में हम एग्जामिन करते हैं। दिस इज कॉल्ड आर्कियोलॉजिस्ट। और वो जो पर्सन जो आर्कियोलॉजी को पढ़ रहे होते हैं उनको कहते हैं जो एंथ्रोपोलॉजी पढ़ रहे होते हैं तो उनको हम एंथ्रोलॉजिस्ट कहते हैं। ये दोनों सिमिलर हैं, बट ये दोनों ग्रीक वर्ड हैं और आपने इनको उसी तरीके से पढ़ना है। इनकी प्रोनाउंसिएशन फर्स्ट जो हमने पढ़ा था दैट्स कॉल्ड आर्कियोलॉजिस्ट, और दिस वन इज एंथ्रोपोलॉजिस्ट। एंथ्रोपोलॉजिस्ट वो होते हैं जो कि जो अर्ली पीपल हैं वो किस तरह उठते थे, खाते थे, उनका लाइफस्टाइल क्या था, वो किस तरह की लैंग्वेज बोलते थे, वो किस तरह की चीजें यूज करते थे, उनके टूल्स क्या होते थे, वो अपनी डेली लाइफ को किस तरह कैरी ऑन करते थे, किस तरह गुजारते थे, ये सब चीजें जो हैं, जो उनकी इर्द गिर्द का एटमोसफियर है उसकी स्टडी को हम एंथ्रोपोलॉजी कहते हैं। और इसको जो जानते हैं जो लोग उनको हम एंथ्रोपोलॉजिस्ट कहते हैं। अंडरस्टैंड? और इससे पहले जो हम पढ़ रहे थे वो था आर्कियोलॉजिस्ट। आर्कियोलॉजिस्ट क्या होते हैं? वो हम अर्ली ह्यूमंस के बारे में उनको जानने, उनको जो जानते हैं उसको हम कहते हैं आर्कियोलॉजिस्ट। अंडरस्टैंड? लाइफ ऑफ अर्ली ह्यूमन एंड देयर आर्ट एंड इन्वेंशन। इट वॉज ड्यूरिंग दिस टाइम दैट द हायर पायरेट्स इंक्लूडिंग एप्स एंड अर्ली मैन अपेयर्ड। इट वॉज अ डिफरेंस बिटवीन एप्स एंड मैन। Early human like stand upright and apes could not. जो पहले जमाने के लोग होते थे वो, उनकी कुछ similarities apes से मिलती थी, but जो humans थे वो सीधे खड़े हो जाते थे, but जो apes होते थे वो सीधे खड़े नहीं होते थे, तो कुछ उनमें differences पे थे। Life of early human was based on nature. Fruit, fish were part of his food. जो early humans थे उनकी जो food था वो fruits थे, fish था, और hunting करते थे वो animals की। It was not aware of fire, और वो आग को नहीं जानते थे कि आग
क्या होती है और वो कैसे मतलब उसको यूज कर सकते हैं. सो ही एट रफ मीट. तो वो जो है रॉ फॉर्म में जो मीट होता है कच्चा गोश्त उसी तरह वो खाते थे. आफ्टर दैट ही वॉज यूज टू अ हंटिंग फॉर एनिमल. द यूज अ स्टोन ब्रिक्स ऑफ ट्रीज. अर्ली ह्यूमन यूज हैमर स्टोन टू स्ट्राइक. और इस तरह के ये टूल्स यूज करते थे फॉर हंटिंग के लिए, एनिमल हंटिंग के लिए कुछ टूल्स यूज करते थे. और जो है उन्होंने जो यूज किए थे वो जो टूल्स थे वो किससे बनाते थे, वो वुड से बनता था. उसके अलावा एनिमल्स के टीथ से वो जो थे और स्टोन से ब्रिक से ये चीजें वो टूल्स को प्रिपेयर करते थे. दे यूज टू दीज टूल्स टू कट एक्सेस ऑफ न्यू फूड इंक्लूडिंग मीट फ्रॉम अ लार्ज एनिमल. दिस एरर जो था उसमें इन्होंने टूल्स का इस्तेमाल भी किया है और वो टूल्स ये फॉर्म करते थे स्टोन से ब्रिक से और वुड से. डिस्कवरी ऑफ फायर. इन्होंने फायर जो डिस्कवर हुई है, डिस्कवरी ऑफ फायर वॉज अ माइल स्टोन इन डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन लाइफ. बाय रबिंग द पीस ऑफ stones against another piece of stones, human discovered that the process create fire. From this human learned burning fire and cook food. इसके बाद जब fire discovered हो गई तो उन्होंने जो है वो बनाना शुरू किए. उसको fire को create करने के बाद उन्होंने अपना खाना जो है वो उसमें cook करना शुरू किया. वो animals से अपने आप को protection के लिए भी fire use करते थे और fire जो है वो उनके बहुत ही ज्यादा काम आई. इसके बाद अर्ली पीपल्स ने जो इन्वेंट किया था वो है व्हील. डिस्कवरी ऑफ व्हील. बिफोर द इन्वेंशन ऑफ व्हील अर्ली मैन हैज टू वॉक ऑन फुट. दे वुड मूव टू वॉक डिस्टेंस एरियाज ओनली. दे जनरली यूज टू यूज एनिमल फॉर राइडिंग कवरिंग अ लॉन्ग डिस्टेंस विद वेरी लेस गुड्स. वो जो सामान वो एनिमल्स पे रखा जाता था जिसके जरिए वो एक जगह से दूसरी जगह जाते थे वो बहुत ही कम होता था, अदरवाइज वो डिस्टेंस ट्रेवल नहीं होता था. दे लिव इन स्मॉल ग्रुप इन डिफरेंट प्लेसेस बिफोर इन्वेंशन ऑफ व्हील. दिस स्मॉल ग्रुप वुड रिमेन आइसोलेटेड फ्रॉम अदर ग्रुप. सो लिटरली व्हील अ पीस ऑफ वुड. दे यूज वुड इन द फॉर्म ऑफ व्हील. फिर उन्होंने डिस्कवर किया वुड को इन द फॉर्म ऑफ व्हील और उसके बाद इन्होंने उस पर ट्रेवलिंग शुरू की जो कि इनके लिए बहुत ही आसान थी. और इन्होंने उसको ट्रेवल किया एक जगह से दूसरी जगह जिसमें वो लेस एफर्ट में हैवी लोड जो है वो कैरी करते थे एक जगह से दूसरी जगह और इजिली जो है वो लॉन्ग डिस्टेंस को कवर करते थे. Now we are comparing early humans and humans today. Early humans wear animal skin as a clothes. Now modern human they wear modern stitch clothes. पहले के लोग जो थे वो animals की skin को ही ऐसी as it is wear कर लेते थे और जो थे इनके दे हंटिंग एनिमल्स. और जो अर्ली ह्यूमंस थे वो हंट करते थे एनिमल्स फूड को और वो ईट करते थे रॉ फॉर्म में. नाउ मॉडर्न ह्यूमंस जो हैं दे ईट कुक फूड एंड ईट आल्सो ईट अ जंक फूड. इसके अलावा पहले के लोग ट्रैवल करते थे बाय वॉक या फिर बाद में व्हील डिस्कवर्ड हुआ है तो वो व्हील को या फिर एनिमल्स पे ट्रैवल करते थे. आजकल जो अर्ली जो मॉडर्न वर्ल्ड में है जो ह्यूमन टुडे हैं वो जो ट्रैवल करते हैं वो व्हीकल्स पे ट्रैवल करते हैं मेजॉरिटी. और इनका डिस्टेंस जो है वो बहुत ही शॉर्ट हो गया है और वो इजीली कहीं भी जो है वो ट्रैवल कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ ट्रांसपोर्ट. और पहले के जो ह्यूमन थे वो बाय वॉक करते थे या बाय एनिमल्स करते थे. Now early people they were more healthy and strong. पहले के जमाने के लोग बहुत ज़्यादा healthy और strong होते थे क्योंकि वो original food और फिर बिल्कुल natural food खाते थे. Now they moved to the modern human.
तो यहाँ पे हमें काफ़ी सारी बीमारियाँ नज़र आती हैं. ऑल आर टू मच डिजीजेस अराउंड अस. हम देखते हैं कि आए दिन बहुत सारी बीमारियाँ जो हैं वो इंट्रोड्यूस हो रही हैं, और वो के जो हैं ज़्यादा लोग जो हैं वो अनहेल्दी हो गए हैं और बहुत ज़्यादा वीक हो गए हैं. आईसाइट भी बहुत तेज़ी से वीक हो रही है छोटे बच्चों की, बल्कि पहले के ज़माने में लोग ज़्यादा हेल्दी हुआ करते थे. तो ये कुछ इनके डिफरेंसेस हैं जो पहले के और अब के ह्यूमंस में हमें नज़र आते हैं. इसके अलावा इनमें कुछ सिमिलैरिटीज़ भी हैं. बोथ आर ह्यूमंस, पहले भी इंसान थे अभी भी हम इंसान हैं. बोथ आर माइग्रेट फ्रॉम डिफरेंट प्लेसेस, पहले भी हम माइग्रेट करते थे और अभी भी हम माइग्रेट करते हैं. ये कुछ इनकी सिमिलैरिटीज़ हैं जो मैं आपको बता रही हूँ. बोथ यूज़ फूड जो है वो यूज़ करते थे टू ईट फूड, खाने के लिए वो फूड यूज़ करते थे. तो ये पहले की और अब की कुछ सिमिलैरिटीज़ हैं. कौन कौन सी सिमिलैरिटीज़ हैं कि दे बोथ आर ह्यूमंस, बोथ आर माइग्रेट टू डिफरेंट प्लेसेस, बोथ फूड यूज़ फूड फॉर ईटिंग. तो ये इनके सिमिलैरिटीज़ हैं. इसके अलावा अगर हम अपेयरेंस देखते हैं तो पहले के लोग ज़्यादा हेल्दी होते थे, इनके लॉन्ग हेयर होते थे. अब के जो हैं हमने जो हैं अनहेल्दी हैं, मतलब इनकी हाइटें भी नहीं होती हैं, और जो हैं डिजीज़ जो हैं वो ज़्यादा जो है स्प्रेड हो रही हैं, और इनके अंदर इम्यून सिस्टम जो है आजकल जो लोग हैं उनमें बहुत वीक हो रहा है. एज़ कम्पेयर टू जो पहले के लोग होते थे वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होते थे और इम्यून सिस्टम बहुत ही स्ट्रांग होता था. तो ये कुछ इनकी सिमिलैरिटीज़ और डिसिमिलैरिटीज़ हैं जो हमने वर्बली जो है कंपेयर की हैं. पहले के लोग बहुत ही ज़्यादा इनोसेंट होते थे, और जो थे उनके पास टाइम ज़्यादा होता था, वक्त ज़्यादा होता था और काम कम होता था. आजकल हम कंपेयर करते हैं तो हमारे यहाँ वक्त बहुत कम होता चला जा रहा है और टाइम हमें बहुत ज़्यादा टाइम हमें बहुत कम नज़र आता है, और हमारे पास काम बहुत ज़्यादा है. आजकल के ह्यूमन की बात करते हैं तो काम बहुत ज़्यादा है लेकिन हमारे पास टाइम बहुत कम है. ठीक है, तो ये कुछ सिमिलैरिटीज़ और डिसिमिलैरिटीज़ हैं जो मैंने आपसे डिस्कस की हैं. नाउ होमवर्क इज राइट डाउन द डिफरेंसेस बिटवीन अर्ली ह्यूमन एंड मॉडर्न ह्यूमन. आपने डिफरेंसेस लिखने हैं एटलीस्ट फोर. आपने डिफरेंसेस लिखने हैं, लेक्चर को सुनना है, उसके बाद आपने इसके डिफरेंसेस लिखने हैं. सो स्टूडेंट, यू विल राइट दिस होमवर्क इन योर एसएसटी कॉपी विद नीट एंड क्लीन राइटिंग. नाउ होप यू हैव ऑल अंडरस्टूड दिस लेक्चर टुडे. वी विल कंटिन्यू आवर नेक्स्ट चैप्टर और नेक्स्ट वीडियो. अंटिल देन टेक केयर ऑफ योर सेल्फ. अल्लाह हाफिज़.